स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। श्वेता के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ मंत्रा, जिसमें हर बार हम एक नए सेगमेंट पे बात करते हैं जिससे संबंधित हमारे साथ मौजूद रहते हैं कोई ना कोई डॉक्टर। ऐसे ही आज एक डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, वो है डॉक्टर देवाशीष, मनोरोग चिकित्सक। आज उनसे ही जानेंगे एंजाइटी के बारे में कि एंजाइटी से संबंधित क्या क्या चीजें, क्या क्या लक्षण आप देख सकते हैं और उनसे निजात पाने के लिए हम क्या क्या उनका उपचार कर सकते हैं। तो आइए सीधे बात करते हैं डॉक्टर देवाशीष से। सबसे पहले तो आपका सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सर आज हम लोग हमेशा कोई ना कोई एक टॉपिक पे, हमारे हेल्थ मंत्रा में हम कोई ना कोई एक मुद्दे पे बात करते हैं, एक डिजीज के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप मनोरोग चिकित्सक हैं, तो आज हम आपसे एंजाइटी के बारे में बात करना चाहेंगे कि हम जानना चाहेंगे कि एक्चुअल में एंजाइटी होता क्या है। देखिए श्वेता जी, एंजाइटी शब्द जो है ये अपने आप में ही सारी चीज़ों को समेटे हुए है। एंजाइटी, जिसको हम लोग हिंदी में उलझन, घबराहट के नाम से जानते हैं जी, प्रायः ऐसा देखा गया है कि ह्यूमन बीइंग की जितनी जनसंख्या जितनी है जी, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन काल में या रोजमर्रा की लाइफ में कहीं ना कहीं उसको एंजाइटी से जूझना पड़ता है। हम इसको बीमारी के रूप में तब तक नहीं कह सकते जब तक ये लगातार कुछ दिनों तक व्यक्ति के जीवन जो दिनचर्या है उसको प्रभावित नहीं करती। छोटी मोटी एंजाइटी होना तो व्यक्ति विशेष के लिए ज़रूरी भी है, हर पर्सन के लिए ज़रूरी है। उदाहरण के लिए जैसे अगर मैं कहूँ तो, अगर बच्चों को समय पे पढ़ने के लिए ना बोला जाए, स्कूल कॉलेज जाने के लिए ना बोला जाए, पढ़ाई जैसे आजकल ऑनलाइन चल रही है इनके लिए कहा ना जाए, घर वालों की तरफ से जब प्रेशर बनता है तो कहीं ना कहीं उनको भी एक एंजाइटी डेवलप होती है। एग्जाम्स करीब आते हैं, उस पर बच्चों को एंजाइटी डेवलप होती है। तो कहीं ना कहीं एंजाइटी जो है हमारे जीवन के लिए ज़रूरी भी है, लेकिन यही एंजाइटी अगर लगातार कई दिनों तक बनी रहती है तो फिर हम लोगों को ऐसा लगता है कि इस मामले में हम लोगों को किसी नज़दीकी मानसिक रोग विशेषज्ञ या कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से इस बारे में सलाह ले लेनी चाहिए। जो बेसिकली इसके लक्षण हैं उसमें यही है कि जो दैनिक दिनचर्या हमारी है वो प्रभावित होती है। व्यक्ति उलझन और घबराहट का शिकार होने से जो काम सामान्यता ईजली कर लेता है उसी काम को करने में उसे बहुत कठिनाई महसूस होती है जी। तो ये प्रायः प्रत्येक वर्ग में, चाहे वो महिला हो या पुरुष, दोनों में ये चीज़ें कॉमन पाई गई हैं जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम एंजाइटी की, जैसे आप बता रहे हैं कि कोई ना कोई, जैसे बच्चों में कोई भी है कि पढ़ाई को लेके अगर कोई स्ट्रेस है या छोटी छोटी चीज़ों को लेके एंजाइटी अगर होने लगती है, और अगर उसकी मात्रा, अगर उसकी क्वांटिटी, उसका परसेंटेज अगर ज़्यादा हो जाता है तब हमें डॉक्टर से सलाह मशवरा करना चाहिए। अगर हम एंजाइटी के टाइप्स की बात करते हैं, क्या इनमें भी कुछ प्रकार होते हैं, कितने प्रकार की एंजाइटीज होती हैं? देखिए जो जनरलाइज, मतलब तीन वैसे सामान्यता काफ़ी एंजाइटी के लक्षण हैं, लेकिन बेसिकली जो साइकेट्री में हम लोगों को सिखाया पढ़ाया गया और जो प्रायः हिंदुस्तान में और दूसरे देशों में देखा गया है, सामान्यतः चार तरह की एंजाइटी के लक्षण दिखाई पड़ते हैं जी। सबसे पहली होती है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, सेकेंड नंबर पे होती है पैनिक डिसऑर्डर, थर्ड पर है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और फोर्थ पर आती है ओसीडी जी। ये चार बीमारियां जो मुख्यतः हम लोगों को उलझन घबराहट से जुड़ी हुई बीमारियों के बीच जी, व्यक्ति इनसे जूझता हुआ दिखाई पड़ता है जी। और ये चारों बीमारियां जिसकी उत्पत्ति कहीं ना कहीं एंजाइटी की वजह से ही होती है जी। डॉक्टर, अगर आपने जो भी चार स्टेजेस बताए हैं, चार लक्षण बताए हैं, जो चार प्रकार बताए हैं, उनको अगर हम डिफाइन करें तो वो किस तरीके से हम उनको डिफाइन कर सकते हैं? जैसे जनरली आप देखते होंगे कि सामान्य उलझन, जिसको आप कह सकते हैं कि हमने एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया, एग्जाम सर पे आ गया जी, और इंटरव्यू देने जा रहे हैं या एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उस समय जो एक सिचुएशनल एंजाइटी डेवलप होती है जी, या एक ऐसी उलझन जो व्यक्ति को उसी समय पे परेशान करती है जब उसका वो एग्जाम या वो इंटरव्यू या और भी ऐसी चीज़ें, शादी नज़दीक आ गई या कहीं कोई ऐसे इवेंट्स जो उसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं उसको करने का समय आया, तो उस समय जो एक एंजाइटी डेवलप होती है तो उसको जनरल एंजाइटी में लिया जाता है जी। सेकेंड नंबर पर मैंने बताया पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर,
पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर ऐसा है जैसे व्यक्ति की किसी के यहाँ चोरी हो गई, किसी के यहाँ कोई बड़ी घटना घट गई, या सड़क पे उसने कोई एक्सीडेंट देख लिया जी. या कोई मर्डर देख लिया, तो वो घटना उसके लिए कहीं ना कहीं आगे चल के उलझन का कारण बनती है जी. तो ये परिस्थितियाँ जो हैं ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में आ जाती हैं. थर्ड नंबर पर फिर OCD आता है. प्रायः आप लोगों ने अपने ऑफिसेज में भी और कई कुलीग्स में सुना होगा कि इन्हें साफ सफाई की बहुत आदत है जी. ये बहुत साफ सफाई करते हैं, ये हाथ धुलने का कार्यक्रम इनका दिन में पूरी साबुन की एक बट्टी खत्म हो जाती है, इतना हाथ धुलते हैं, ये घंटों नहाते हैं जी. तो ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम्स है. ये जनरली सिर्फ साफ सफाई की नहीं, और भी चीज़ों को, लोगों से बातचीत करना, बात करेंगे एक ही सवाल को बार बार पूछना, मतलब ऑब्सेशन भी है और कंपल्शन भी है, तो दोनों चीजें एक्ट जब करते हैं तो इसको OCD में आ जाता है जी. फोर्थ जो लास्ट हो गई, एक तो हमारा हो गया जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, सेकंड आपका OCD, थर्ड आपका PTSD, जो लास्ट आता है वो आपका आता है पैनिक अटैक्स जी, पैनिक डिसऑर्डर जी, जिसमें व्यक्ति को 10 से 15 20 मिनट में उसको अपने जीवन के प्रति ऐसा आभास होता है कि शायद मैं जिंदा ही ना रहूं जी. मैं शायद बस 15 मिनट के अंदर ये दुनिया खत्म हो जाएगी और मैं मर जाऊंगा जी. तो ऐसे कंडीशन में, जैसे ये स्टूडियो है, स्टूडियो में हम लोग बैठे हुए हैं, ये पैनिक डिसऑर्डर के व्यक्ति को इसमें बैठा पाना बड़ा मुश्किल काम है जी. उसको ये एंजाइटी डेवलप होगी कि मैं कैसे यहाँ से बाहर निकलूँ, कैसे जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाऊँ जी. तो उस 15-20 मिनट के एपिसोड में वो पूरा स्टूडियो सर पे उठा लेगा जी. तो ये चौथा डिसऑर्डर ये पैनिक डिसऑर्डर है जी. तो ये सारे उलझन और घबराहट से जुड़ी हुई बीमारियों से, चारों बीमारियां हैं जो उलझन की वजह से पैदा होती है जी. और हम लोगों की जो साइकियाट्री सोसाइटी है इसने अभी काफ़ी इस मामले में काफ़ी डेवलप किया है और रिसर्चेज ऑलरेडी चल रही हैं और इन चारों बीमारियों पे हम लोगों ने एक अच्छा कंट्रोल किया है, दवाइयों के द्वारा भी, काउंसलिंग के द्वारा जी. अच्छा डॉक्टर, ये है कि हम किस टाइम पीरियड में, देखिए हम लोग जज नहीं कर पाते हैं कि ये हमारा एंजाइटी है या जो भी और भी जो डिसऑर्डर्स हमारे क्रिएट हो रहे हैं, और हम लोग उसको अमूमन एक ऐसे ही आम बोलचाल में हम लोग कुछ ना कुछ उसको दे देते हैं, लेकिन हम लोग उसको कैसे जज करें कि ये एंजाइटी ही है, मतलब हम कैसे जज कर सकते हैं जिससे हम डॉक्टर को टाइमली दिखा सकें और इसको बढ़ने से रोक सकें. देखिए, इसका मैंने शुरू में आपको बताया कि एक बड़ा छोटा सा उदाहरण समझिए जी, कि सड़क पे दो रास्ते जा रहे हैं, एक रास्ता है जो बहुत वीरान है जी, अंधेरा है, दूसरा रास्ता है जिसमें लाइट्स लगी हुई हैं और लोग आ जा रहे हैं जी. तो जनरली आप क्या प्रेफर करेंगे? मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि आप क्या प्रेफर करेंगे? सर मैं तो वही लाइट वाला रास्ता, लाइट वाले रास्ते जी, ठीक जी. ये व्यक्ति की विशेषता है जी. ये हमारी अंदर की एक एंजाइटी को उसने एक सही डायरेक्शन में कन्वर्ट किया कि नहीं, अनजान रास्ते पे, ऐसे रास्ते पे नहीं जाना है क्योंकि हो सकता है वहाँ कोई जानवर आ जाए, कोई ऐसी चीजें हैं, लाइट्स भी नहीं है, सुनसान रास्ता है जी. तो हमने प्रेफर किया, हमारे माइंड ने कन्वर्ट किया कि नहीं, हमको इस रास्ते पे जाना है जी. तो ये एक सही डिसीजन हुआ जी. तो वो एक छोटी सी एंजाइटी से आप एक सही डायरेक्शन पर चली गई जी. वही एंजाइटी अगर लगातार आपको दैनिक कार्यों में प्रभावित कर रही है जी. रोज परेशान कर रही है, आप छोटे छोटे काम में, आपका सुबह नहाने से लेके, ब्रश करने से लेके, लोगों से बात करने से लेके, उन चीज़ों में चिड़चिड़ापन आ रहा है, घबराहट हो रही है, तो मुझे लगता है कि आपको किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ या साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए जी. डॉक्टर, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी पर्सनालिटी को लेकर बड़े परेशान होते हैं, जैसे पर्सनालिटी, जैसे आपने चार फॉर्म बताए हैं उसमें एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स भी हैं, जो कि हमारे बाल ऐसे नहीं हैं और हमारी आंखें ऐसी नहीं हैं, और उससे भी क्या एंजाइटी के सिम्टम्स? अब ये प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप लोगों के माध्यम से कई बार इन चीज़ों को प्रकाशित भी किया गया, बताया भी गया जी, कि व्यक्ति जिस तरीके से उसको भगवान ने उसको संरचित करके भेजा है यहाँ जी, आपको उसी में अपने टैलेंट को डेवलप करना है, उसी में आपको बढ़ाना है जी. जब आज के डेट में यह है कि मोबाइल में पूरा संसार है जी, तो आप अपने आप को जब दूसरे से जोड़ना शुरू करेंगे, दूसरे की तरह बनना शुरू कर देंगे जी, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं आपको अंदर से इन्फीरियॉरिटी का एहसास होगा जी. वो इन्फीरियॉरिटी जो है आपके अंदर एंजाइटी को डेवलप करेगी जी.
यही एंजाइटी अगर समय रहते ठीक नहीं की गई तो ये फिर आपको डिप्रेशन की ओर बढ़ाएगी, सुसाइड की तरफ कदम बढ़ाएगी। तो समय रहते इसको पहचानना बहुत जरूरी है जी। और ये एकदम सत्य है कि अगर हम लोग समय रहते इसको पहचान लें तो इसको दवाइयों से और काउंसलिंग के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर, ये एंजाइटी का कोई पर्टिकुलर क्या कोई अटैक होता है कि सडनली जैसे कोई अटैक सा कोई ऐसा चीज़ आता है कि एंजाइटी का कोई अटैक आ रहा है और उसको हम कैसे मतलब तो क्या करना चाहिए अगर सडनली अगर इस तरीके से चीज़ें आती हैं तो हम उसको कैसे फेस करें? अच्छा सवाल आपने पूछा जी। बेसिकली देखिए, हर जगह अभी साइकेट्रिस्ट की पूरे भारतवर्ष में एक ठीक ठाक कमी है जी। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं और सीएससी पीएससी लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भी हर जगह लोगों को ट्रेंड किया जा रहा है कि मानसिक लक्षणों को, उलझन के लक्षणों को, डिप्रेशन के लक्षणों को जितने भी और डॉक्टर्स और विधा के हैं बचाना शुरू करें और प्राइमरी लेवल पे उसका ट्रीटमेंट भी करें। उसके लिए हम लोगों ने कई जगहों पर डॉक्टरों को पढ़ाया भी है। तो रियलिटी ये है कि किसी भी तरीके से मानसिक बीमारियों को पहचानने का जो अनुभव है वो घर परिवार से लेके डॉक्टर्स के लेवल तक होना चाहिए जी। रही बात आपने अटैक वाली बात कही, तो ये अटैक उसी उलझनों का एक प्रकार है जैसे मैंने पैनिक डिसऑर्डर के बारे में बताया कि वो अटैक आता है तो उस 15-20 मिनट में उसको एहसास होता है कि अब जिंदगी खत्म होने को है, अब जिंदगी जाने वाली है जी। तो ऐसी कंडीशन में हर जगह डॉक्टर्स नहीं अवेलेबल हैं, हर जगह क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं अवेलेबल हैं जी। तो एक देशी टेक्निक्स बताई गई है कि आपके घर में अखबार का टुकड़ा होगा, अखबार का कागज हो या कोई भी कागज हो जी। तो जो पंसारी के यहाँ थैली मिलती थी पहले, अब आजकल पॉलीथिन बैन किया गया है जब से तब से अब कपड़ों में या कागज के थैले बनाए जाते हैं जी। उसमें सामान रख के दिया जाता है जी। तो उन थैलों में आप अपने नाक और मुंह को, ध्यान रहे कि वो प्लास्टिक की ना हो जी। नाक और मुंह करके आप एक डीप ब्रीदिंग करें जी। तो शरीर से जो ऑक्सीजन निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड हम ले रहे हैं जी। और तो ये मात्रा जो है जी। ये रोटेट होके धीरे धीरे विद इन मिनट्स आपको आराम मिलने लगेगा जी। ये एक ऐसी देशी और एक बड़ी कारगर टेक्निक है जो मुझे लगता है कि हर परिवार के हर सदस्य को मालूम होना चाहिए जी। तो उससे कम से कम उस सिचुएशन से आप तुरंत बाहर आ जाएंगे जी। और फिर समय रहते ही डॉक्टर्स के पास आप जा सकते हैं जी। सर, एंजाइटी अटैक जो होता है वो किस तरीके से अफेक्ट करता है हम लोग को? एंजाइटी अफेक्ट सुसाइड में भी कन्वर्ट हो सकता है जी। दूसरों के ऊपर भी हमले हो सकते हैं जी। खुद को तो हार्म पहुंचाएगा, दूसरों को भी हार्म पहुंचा सकता है जी। तो एंजाइटी में व्यक्ति अगर उसको कंट्रोल नहीं किया गया तो वो किसी भी कदम को उठा सकता है जी। इसलिए उसको पहचानना बहुत जरूरी है जी। और अगर आप पहचानेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसको तुरंत ही कंट्रोल करने के लिए हम लोगों के पास तरीके भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, तो उसको डिप्रेशन तक नहीं बढ़ने देंगे हम लोग जी। डॉक्टर, ऐसा होता है कि जो एंजाइटी अटैक आप बता रहे हैं, एंजाइटी अटैक से कई लोग मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, क्या वो एंजाइटी की वजह से भी होता है कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है जिसकी वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं एंड देन फिर वो ऐसी हरकतें करने लगते हैं जैसे एक कोई मेंटल पर्सन करता है कि सडनली कहीं पर भी जाके जैसे आप कहीं के भी सारे घर के सारे नल खोल देना, ये भी क्या एंजाइटी नल खोल देना या कहीं स्विच ऑफ कर देना, कहीं स्विच ऑन कर देना, मतलब ऐसी जो ऐसी अनइवन सी जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी जो शुरू कर देते हैं, क्या वो भी एक एंजाइटी के ही फॉर्म हैं? बेसिकली जो ये अनइवन सी एक्टिविटीज़ है इसमें उस व्यक्ति को जिसको ये दिक्कत हो रही है जी। उस व्यक्ति को सुकून मिलता है जी। वो ये हरकतें करके उसको लगता है कि मैंने कुछ किया जी। जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का मामला है कि व्यक्ति बार बार हाथ धुल रहा है, व्यक्ति घंटों नहा रहा है जी। तो ऐसी स्थिति में अपनी एंजाइटी दूर करने के लिए लोग तरह तरह के तरीके अपनाना शुरू कर देते हैं जी। और उन तरीकों से अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं जी।
किसी ने स्विच ऑन करके कर लिया, किसी ने घंटों नहा के कर लिया, किसी ने हाथ धुल के कर लिया, मतलब उन्होंने अपनी जो उस समय की एंजाइटी है उसको दूर करने के लिए ये स्टेप उठाए जी। लेकिन सामाजिक तौर पे वो उचित तो है नहीं जी। तो उसके लिए घर वालों को, जो केयर गिवर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उन्हें इस चीज़ को पहचानना पड़ेगा जी। और किसी भी तरीके से ये चीज़ें प्राइमरी लेवल पे ही मेंटेन कर लेनी ज़्यादा बेहतर है जी। बाद में इसके इलाज में थोड़ी सी समस्या आती है, ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है फिर जी। सर, जो एंजाइटी सर्वाइवर्स हैं, जो एंजाइटी के शिकार हैं, उनको ध्यान देने वाली क्या बातें होती हैं कि क्या चीज़ ध्यान दें जिससे उनको कंट्रोल कर सकें? सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि पहले हमें उस व्यक्ति को पहचानने की ज़रूरत है, समाज के बारे में मैं कह रहा हूँ, सोसाइटी के लिए जी। और अगर व्यक्ति इस चीज़ को समझता है कि नहीं, मुझे एंजाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और उन चीज़ों को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, सेल्फ कंट्रोल उसका नहीं है जी। तो 100% उसको डॉक्टर से मिलना चाहिए जी। और हमें लगता है काउंसलिंग के माध्यम से, कई जगहों पे तो शायद दवाइयों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, काउंसलिंग के माध्यम से ही एंजाइटी के पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं जी। डॉक्टर, अगर हम अगर एक डिफरेंस करना चाहें, जैसे एक स्ट्रेस और एंजाइटी, क्या दोनों चीज़ें सेम हैं या दोनों चीज़ें अलग अलग हैं? स्ट्रेस ही तो कारण है एंजाइटी का और डिप्रेशन का जी। स्ट्रेस ना हो जीवन में तो व्यक्ति आगे भी नहीं बढ़ सकता जी। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है आजकल की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है जी। और जिस तरीके से भौतिकतावादी जिंदगी चल रही है, इसमें स्ट्रेस का रोल तो बहुत है, हर व्यक्ति स्ट्रेस में है जी। तो स्ट्रेस की वजह से कुछ लोग एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं और वही एंजाइटी को समय पर ट्रीट न करने से वो डिप्रेशन की ओर बढ़ जाते हैं जी। अगर हम एंजाइटी को खत्म करना चाहते हैं तो किस तरीके से एंजाइटी को खत्म किया जा सकता है, क्या ट्रीटमेंट है, क्या मेडिसिंस रहती हैं उसको खत्म करने के लिए? जो हमारी इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी है, जिसने अभी इस कोरोना काल में जनरली हम लोगों की जो दवाएं हैं ये आम तौर पे लोग नशे के तौर पे भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं जी। लेकिन इस कोरोना काल में चूंकि डॉक्टर्स की भी कमी रही और लोग बहुत पैनिक डिसऑर्डर के और एंजाइटी डिसऑर्डर के मरीज रहे, जो आईसीयू में पेशेंट रहे, तो उन लोगों के लिए हमारी सोसाइटी की तरफ से क्लोनाजिपाम एक टैबलेट की बड़ी छोटी मात्रा बताई गई, 0.25 मिलीग्राम, कि इसको ले लेने से एंजाइटी का लेवल जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है जी। लेकिन हमारी एक व्यक्तिगत सलाह है, एज ए साइकेट्रिस्ट सलाह है, कि ऐसी दवाओं का सेवन बिना डॉक्टर से पूछे ना करें जी। क्योंकि वो दौर ऐसा था कोरोना काल जिसमें डॉक्टर से लोग मिल नहीं पा रहे थे और परेशान बहुत थे जी। इसलिए सोसाइटी ने ऐसा फैसला लिया था जी। लेकिन जब चीज़ें थोड़ी नॉर्मल हैं, बेहतर हैं, तो हमें लगता है कि ऐसी दवाइयों का सेवन बिना सलाह के ना करें जी। डॉक्टर, आपने भी मेडिसिंस की बात की, अभी आपने एक में बोला था कि आप उन पेशेंट को काउंसिल करते हैं, काउंसलिंग के थ्रू भी हम एंजाइटी दूर करते हैं और जो उनके जो डिसऑर्डर्स हैं उनको दूर करने की कोशिश करते हैं, तो वो काउंसलिंग सेशन में क्या रहता है, किस तरीके से आप पेशेंट को उसमें मैनेज करते हैं, किस तरीके से काउंसिल करते हैं? काउंसलिंग सेशंस में बेसिकली व्यक्ति के साथ समय देना पड़ता है जी, आधे एक घंटे का टाइम लगता है और रूट काज पता करने की कोशिश की जाती है कि व्यक्ति के डिप्रेशन का या एंजाइटी का कारण क्या है जी। पता चलता है कि कभी कभी हम लोग जब एंजाइटी के रीजंस पे निकल के आते हैं तो पता चलता है बहुत छोटा रीजन था लेकिन उसने अपने आप को डिस्टर्ब ज्यादा कर रखा है जी। तो उस रूट काज को निकाल कर उसके बारे में डिस्कस कर और उससे दूर होने के तरीके बताकर जी, उनका एक चार्ट बनवा के, उनका मंथली वीकली एक चार्ट बना के उसको फॉलो करने के, योगा और मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, तरह तरह की बहुत सारी चीज़ें, ऐसी एक्टिविटीज़ उनको बताई जाती है जिसकी वजह से हमें लगता है कि बहुत सारे पेशेंट जिनको माइल्ड एंजाइटी के शिकार हैं उन्हें बिना दवाइयों के भी काउंसलिंग के थ्रू हम लोग मेंटेन कर लेते हैं जी। डॉक्टर, क्या हम सिर्फ एक एलोपैथ से ही पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं या होम्योपैथ एंड आयुर्वेदा से भी हम ये एंजाइटी की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक, चूँकि मैं एलोपैथ से मैंने पढ़ाई की और इतने सालों के अनुभव के आधार पे मैं ये देखता हूँ कि अगर व्यक्ति को एडवांस आराम चाहिए, तुरंत आराम की ज़रूरत है जी, तो आपके
आयुर्वेद में और होम्योपैथ के बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं, लेकिन एडवांस रिस्पांस के लिए एलोपैथ में अच्छी दवाइयां हैं जिससे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी जब ये दवाइयां नहीं थीं, जब ये लोग नहीं थे, जब ये अंग्रेजी दवाइयां और ऐसे नहीं थे, तब भी लोगों के अंदर एंजाइटी थी जी। उस समय लोग योग के माध्यम से जी। और तरह तरह के व्यायाम थे जिससे इन चीज़ों को कंट्रोल करते थे जी। तो हमें लगता है वो विधा और ये विधा दोनों ही कारगर है जी। व्यक्ति अपनी व्यवस्था के अनुसार, अपने आराम के अनुसार से इसका उपयोग कर सकता है, चूज कर सकता है जी। डॉक्टर, आप एक योग के एक एक्सरसाइज की बातें कर रहे हैं, तो क्या कोई पर्टिकुलर ऐसे योगा टेक्निक्स हैं जिससे इनको बहुत अच्छा आराम मिल सके? देखिए, एंजाइटी के लेवल पे तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि डीप ब्रीदिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है जी। डीप ब्रीदिंग अगर आप पूर्ण मनोभाव से करते हैं तो हमें लगता है वैसे ही आप एंजाइटी पे कंट्रोल कर लेंगे जी। सिर्फ डीप ब्रीदिंग से ही आपको बहुत आराम मिलेगा जी। अदरवाइज अगर चीज़ें पैनिक हो रही हैं तो मैंने आपको एक दूसरा रास्ता बताया जो हर गांव में हर घर में मिल जाएगा जी। उसको तुरंत लिफाफे में अंदर नाक और मुंह करके थोड़ी गहरी गहरी सांस लेनी है जी। उसमें भी एक डेढ़ मिनट के अंदर उसको रिस्पांस मिलने लगेगा जी। ऐसा होता है कि जब ऐसी स्थितियाँ होती हैं हम शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा लेते हैं, मुँह से भी सांस खींचने लगते हैं, नाक से भी खींच रहे हैं, तो ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में बढ़ती चली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल पाती। तो इस पूरे चक्र में एक मेडिकल टर्म होता है एसिडोसिस, वो हो जाता है जिसकी वजह से जो छोटी सी बीमारी है, जो छोटी सी उलझन है, वो भी काफी बड़ी दिखाई पड़ने लगती है जी। तो वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है उसको मेंटेन करने के लिए कागज के लिफाफे में आप सांस लें, एक से डेढ़ मिनट में वो चीजें आप खुद ही निकाल रहे हो, खुद ही इनहेल कर रहे हो, खुद ही एक्सहेल कर रहे हो, तो वो चीजें थोड़ी देर में मेंटेन होने लगेंगी जी। तो ऐसे में भी व्यक्ति को बहुत तेजी से आराम मिलता है जी। और उसके बाद अगर लग रहा है कि पैनिक है तो फिर डॉक्टर से मिलने की जरूरत है जी। डॉक्टर, एंजाइटी पेशेंट के आसपास का एटमॉस्फेयर भी एक ज़रूरी है कि एटमॉस्फेयर पे भी काफ़ी ध्यान देना चाहिए, तो जो एंजाइटी पर्सन है उनके फैमिली मेंबर्स को किस तरीके का माहौल क्रिएट करना चाहिए कि कैसा माहौल उनके आसपास का होना चाहिए जिसकी वजह से वो जल्दी से रिकवर कर सकें? बस उन्हें भी पैनिक नहीं होना है जी। अगर किसी को एंजाइटी से रिलेटेड समस्या है तो परिवार के सदस्यों को ये समझना पड़ेगा, ये कोई ऐसी समस्या नहीं है जिससे इनके जान माल का कोई खतरा है जी। उनको एक धैर्य से और जो तरीके अभी आपके चैनल के माध्यम से बताए गए हैं उन तरीकों को अपनाकर एक एंजाइटी से ग्रस्त व्यक्ति पे कंट्रोल पा सकते हैं जी। डॉक्टर, हमारे एक व्यूअर हैं, उनका एक सवाल ये था कि वो जानना चाहते थे कि साइकोथेरेपी क्या होती है। साइकोथेरेपी एक तरीके की काउंसलिंग ही है, काउंसलिंग सेशंस हैं जिसमें व्यक्ति को बैठा के, मैंने बोला ना कि रूट कॉज निकाल के उससे पता किया जाता है कि व्यक्ति की प्रॉब्लम्स के कारण क्या है, व्यक्ति सोचता क्या है, उसकी एंजाइटी का लेवल क्या है, उसके एंजाइटी किस हद तक बढ़ी हुई है जी। तो ये साइकोलॉजिस्ट के लेवल का काम है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इसे बखूबी निभाते हैं और एंजाइटी और इस तरीके के मामलों में इन लोगों का रोल बहुत अच्छा है जी। डॉक्टर, अगर हम एक एंजाइटी पेशेंट के खान पान की बात करते हैं कि उनका खान पान किस तरीके का होना चाहिए, तो क्या उन्हें भी खान पान में कोई पर्टिकुलर चीज़ें ध्यान देने वाली बात होती है कि इन चीज़ों को खाना चाहिए जिससे हम स्वस्थ रह सकें? स्वस्थ रहने के लिए तो ऐसे बोला भी जाता है कि एक हेल्दी फूड होना चाहिए, लेकिन पर्टिकुलर कुछ ऐसा है जिन पर खास ध्यान देना चाहिए? जैसे होता है ना कि आपको खांसी है तो आपको खट्टा नहीं खाना है, तो एंजाइटी पर्सन के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि ये नहीं खाना चाहिए, इससे एंजाइटी गेन होती है? बेसिकली हमें ये समझना पड़ेगा कि फिजिकल प्रॉब्लम्स अगर कोई है जी, पता चला कि हमें कॉन्स्टिपेशन की वजह से एंजाइटी डेवलप होती है जी, तो जाहिर सी बात है हमें ऐसा कोई भोजन नहीं करना है जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो, हम फाइबर युक्त भोजन करें। अगर फिजिकल प्रॉब्लम्स कोई ऐसी नहीं है तो हमें नहीं लगता कोई स्पेशली अलग से डिज़ाइंड किया जाएगा इन लोगों के लिए, एंजाइटी पेशेंट्स के लिए। लेकिन जैसे सब फिजिशियंस और सारे गैस्ट्रो फिजिशियंस भी इस तरीके की सलाह देते हैं कि ऐसी चीज़ों को खाने की ज़रूरत है जिससे व्यक्ति को थोड़ा सा तरोताज़ा महसूस करे और शरीर हल्का महसूस करे जी।
डॉक्टर, ये जो एंजाइटी का जो है, एंजाइटी में किस एज ग्रुप में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है? क्योंकि आपके पास कई सारे पेशेंट आते हैं, तो अगर हम उसमें एक पर्टिकुलर किसी एज ग्रुप की बात करते हैं, तो वो कौन सा एज ग्रुप है जो एंजाइटी का ज़्यादा शिकार है? देखिए, पहले के समय में 10 साल 15 साल पहले की जो स्थिति थी, उसमें तो स्थितियाँ ये थी कि मिडिल एज ग्रुप और जो यंग एज ग्रुप थे और ओल्ड एज में, ये सब में आते थे जी। अभी नए जनरेशन जो आई है, इसमें छोटे छोटे बच्चे जो 8 साल 10 साल के बच्चे हैं, इनमें भी एंजाइटी की समस्याएं देखने को मिल रही हैं जी। इसका कहीं ना कहीं कारण अपना एजुकेशन सिस्टम है, ऑनलाइन पढ़ाइयाँ हैं, एग्जाम्स हैं, तो छोटे छोटे बच्चों में भी ये टेंशन्स आ रही हैं। नंबर पाने की जो होड़ लगी हुई है, अपने आगे डेवलप करने की, कि मेरे 99% क्यों आए, 100 क्यों नहीं आए, इसके 97 क्यों आए, तो एक इस प्रतिस्पर्धा में कहीं ना कहीं बच्चों में भी ये चीज़ें अब देखने को प्रायः मिल रही हैं जी। डॉक्टर, हम अभी उसकी बात कर रहे थे, जैसे कई लोग अपना टोबैको वगैरह यूज़ करते हैं, टोबैको है जो ड्रिंकिंग के हैबिचुअल हैं, क्या उनमें ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं? बेसिकली ऐसा देखा गया है कि एंजाइटी के जो पेशेंट्स हैं, मैंने पहले भी आपको बताया कि वो अपने एंजाइटी कम करने के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए इन चीज़ों का सेवन शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे यही चीज़ें एक हैबिट में फॉर्म कर जाती हैं, जिसको बाद में छोड़ पाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है जी। डॉक्टर, अगर हम आप एक प्रतिशत की बात करते हैं, जैसे हम अगर आंकड़ों की बात करें, तो अमूमन कितने प्रतिशत लोग इसका शिकार हैं? देखिए, डिसऑर्डर के बारे में तो हमने बोला ना, एंजाइटी हर व्यक्ति के अंदर है, हर व्यक्ति को एंजाइटी से जूझना पड़ता है। हम लोग कुछ अपने लेवल पे एंजाइटी को मेंटेन कर लेते हैं, कुछ लोग हैं उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं जी। तो जो समाज में हर व्यक्ति के अंदर चीज़ें हैं, तो उसमें रियलिटी में प्रतिशत अभी कहना उचित नहीं है जी। लेकिन ये है कि जिस तरीके से आजकल कोविड और समस्याओं और ये जो भागदौड़ वाली ज़िंदगी है, और हर व्यक्ति जॉब के लिए और पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए जिस तरीके से आगे परेशान है, मेहनत करना चाह रहा है, धीरे धीरे ये समाज में हमें लगता है हर व्यक्ति के अंदर डेवलप हो रही है। बस ये है कि अगर आप स्वस्थ मन से रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हमें इन चीज़ों को ठीक रखना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, तो स्वस्थ तन और स्वस्थ मन, ये दोनों चीज़ें रख के ही आगे डेवलप कर पाएंगे जी। डॉक्टर, हम आपसे चाहेंगे कि हमारे प्राइम टीवी के व्यूअर्स को एक आप मैसेज दें। मैसेज के नाम पे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, इस बात को समझने की बहुत सख्त ज़रूरत है कि जिस समय हम लोगों का देश इस विपदा से गुजर रहा है और उससे हम लोगों ने विजय भी प्राप्त की है, ऐसी स्थिति में एंजाइटी होना स्वाभाविक है, लेकिन इस एंजाइटी की वजह से अपनी दिनचर्या को प्रभावित ना होने दें। आप योग करें, व्यायाम करें, अपनी दिनचर्या नियमित करें, अपना खुद से ही अपना चार्ट बनाएं, उस चार्ट को फॉलो करें, और स्वस्थ रहने के लिए जो आवश्यक भोजन है, फल फूल सब्जियां जो मार्केट में बताई जा रही हैं, जो समाज के द्वारा निर्देशित भी हैं, इनका सेवन करें, और परिवार में एक दूसरे का सहयोग करें। जब आपके अंदर सहयोग की भावना रहेगी, जब आप एक दूसरे के दर्द को समझेंगे, तो इस तरीके की छोटी मोटी एंजाइटी आपका जीवन में कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इसलिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और यही उम्मीद हम सभी लोग प्राइम टीवी की तरफ से आपसे करते हैं कि इसको मेंटेन रखिएगा, ऐसी स्थितियों से बचने के लिए, ऐसी स्थितियों से दूर रहने के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि ये चीज़ें थोड़ी गड़बड़ हो रही हैं, तो उसके लिए प्रत्येक ज़िले में आपको डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के तहत साइकेट्रिस्ट उपलब्ध हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उपलब्ध हैं, आप उनसे परामर्श लेके अपने जीवन को निरोगी बना सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। आज हमने हेल्थ मंत्रा में डॉक्टर देवाशीष मनोरोग चिकित्सक से बात की, जिन्होंने हमें एंजाइटी से संबंधित काफी सारी जानकारी हमें दी। उम्मीद है आपको ये जानकारी काफी पसंद आई होगी। अगले सेगमेंट पर हम फिर हाजिर होंगे एक नए डॉक्टर के साथ में, एक नए सेगमेंट के साथ में। तब तक आप देखते रहिए प्राइम टीवी।